परचम लहराया से मनीषा मोड़ ने। लाडो मनीषा मारी भारत की शान है, लाडो मनीषा मारी भारत की शान है। मम्मी पापा को भी इस पे पूरा गुमान है, मम्मी पापा को भी इस पे पूरा गुमान है। विश्व चैंपियन बन के दिखाया सब मनीषा मोड ने। मेरी आन बॉक्सिंग जान बॉक्सिंग शान बॉक्सिंग है, मेरी आन बॉक्सिंग जान बॉक्सिंग शान बॉक्सिंग है। काम मटो चमकाया से मनीषा मोड ने, पूरे विश्व में परचम लहराया से मनीषा मोड ने। जिनके आशीर्वाद से ये हो रही जीत है, जिनके आशीर्वाद से ये हो सजाया है मनीषा मोड ने। मेरी आन बॉक्सिंग जान बॉक्सिंग शान बॉक्सिंग है, मेरी आन बॉक्सिंग जान बॉक्सिंग शान बॉक्सिंग है। पूरे विश्व में परचम लहराया से मनीषा मोड ने, गांव मटोर का नाम चमकाया से मनीषा मोड ने।
भाई अपने मास्टर जी ने बता दिया कि हमारी पोती इस गांव की उत्तम प्रकृति की पोती ने जो कर दिखाया वो वर्ल्ड लेवल पर करके दिखाया है। प्रतिभाएं निखारने के लिए पोतियों की सहायता सबसे जरूरी है, तो हम गांव की तरफ से पोती को तो शाबाश देते ही हैं। इसके साथ साथ हमारे बहुत साथी हैं जो उनका भी पूर्ण रूप से सम्मान करते हैं कि उन्होंने इस प्रतिभा को एक कम से ऐसा निखारा कि वर्ल्ड के अंदर विशेष नाम दिया है। और आगे पोती से हमें और भी आशाएं हैं, आने वाले समय में जो भी वर्ल्ड की अच्छे से मान सम्मान किया, और हमारा मकसद था इनको देखकर हमारे जो छोटे बच्चे हैं आगे से हर घर से एक एक मनीषा निकले मुक्केबाजी कुश्ती और खेलों में। यही सब युवा साथियों का और सभी का मकसद था। विक्रम जी और हम तो प्यार में मिलता बोलते हैं गुरमीत जी, सबसे पहले तो मैं यामटोर पर आने पर आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बधाई देता हूँ कि आपने हमारी एक इस गुड़िया को तराश कर इस लेवल तक ले जाने का जो काम किया है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में कोचिंग का अभाव था, लेकिन अब हमारे डिस्ट्रिक्ट में बॉक्सिंग का नाम ही नहीं था कहीं क्षेत्र में, लेकिन राजेंद्र जी ने जो ये पौधा लगाया, ये जो विक्रम कूल कहते हैं ये भी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ये भी इनके शिष्य है, और ये दूसरे जो कोच है ये भी इनके शिष्य है तो मैं धन्यवाद देता हूँ राजेंद्र जी का। इसके साथ साथ मैं मेरी प्यारी बेटी मनीषा मोहन को बधाई देता हूँ, इन्होंने इतना बढ़िया काम करके इस गांव का इस जिले का इस हरियाणा को इस इंडिया का नाम रोशन किया। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ मेरी बेटी को और बधाई देता हूँ उनके परिवार को, इनके माता पिता को, जिन्होंने इसका पूरा सहयोग तो यानी तन मन धन से दिया है। तो मैं सभी का और मैं गांववासियों का भी धन्यवाद करता हूँ इतनी संख्या में आकर इस बच्चे को अपने जो हौसला बधाई की है। और बच्चे से मेरी विशेष निवेदन है, क्योंकि हमारा काम सिर्फ कबड्डी सिर्फ और सिर्फ कबड्डी में जा रहता है, लेकिन ये गेम भी बना सकते हैं। देखो कितना बढ़िया इन्होंने सबसे पहले तो मेरे साथ में दो चार सहकारी लगाओ जो बहुत ज्यादा जरूरी है, बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, बेटा शोर मत करो। मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी हम उम्र के नौजवान साथियों और आल स्पोर्ट्स स्टाफ और जहां तक भी मेरी आवाज पहुंच रही है माइक के माध्यम से सभी को मेरी हाथ जोड़ का प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। तो दोस्तों भाई साहब ने अभी अनाउंसमेंट किया कि फौजी साहब ने टाइम निकाला हमारी बुढ़िया के लिए गांव के लिए। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मेरी निजी चार बेटियां हैं खुद की, और ये पांचवी बेटी है मेरी जो ये आप देख रहे हो जो आज ये वर्ल्ड चैंपियन बन गया है, क्योंकि 2009 से ये बुढ़िया वहाँ प्रैक्टिस करती है। और मेरी जो बड़ी बेटी शीतल उसको मैं 2012 के अंदर बॉक्सिंग में लगाया था, पीछे बैठे हैं राजेंद्र कोच साहब, विक्रम भूल और ये अपने गुरमीत जी मेरे गांव से ही, ये भी निकल शिष्य राजेंद्र जी थे। तो उसने मेरे को बताया था, मैं पहले नहीं जानता था इसको,
मनीषा को कि पापा मनीषा है और बहुत अच्छी लड़की है, बड़ा अच्छा मोटिवेशन करती है, बड़े अच्छे तरीके से हमारे को जो है बॉक्सिंग को सिखाती है। तो मैं कहा बेटा ठीक है, जो तुम्हें अच्छे तरीके से बताती है सीखो। तो उस टाइम से जुड़ा था मैं, उस टाइम से मैं इनके घराने जाने लगा था। इस छोरी के मेरे विचार बड़े अच्छे लगे और इसकी जो मेहनत और जो लगन देखी मैंने उसी दिन सोच लिया था कि लड़की बहुत ऊपर जाएगी। उसके बाद दूसरी बात ये है कि बेटा जो आप लोग बैठे हो ये सही कहते हैं भाई साहब की धनराशि के लिए नहीं, इसको लेके है कि आप लोग पैसे दे रहे हो, ये कोई लाल चौड़ी बात नहीं है। क्योंकि आज ये लड़की वर्ल्ड चैंपियन बन के इसने खुद के आप अपने माँ बाप को तो नाम रोशन करा, गांव का नाम रोशन करा, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करा, अपने राज्य का नाम रोशन करा, अपने देश का नाम रोशन करा। उसके साथ साथ जीएसडब्ल्यू जिंदल स्टील वर्कर्स जहां से लड़की स्पॉन्सर है, 1,00,000 रुपए महीना जिंदल स्टील वर्कर्स इसके ऊपर खर्च कर रही है। अभी आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता दूं विदेशों में कोचिंग दिला रही है। उसके बाद इसने इसके बाद इंडियन तिब्बत पुलिस फोर्स जो ITBP है वहां जो पैरामिलिट्री फोर्स के अंदर सर्विस लगी है इसकी, और इसको प्रमोशन भी बहुत बढ़िया मिलने वाला आपको बता दूंगा। क्योंकि दो मेडल इसके हो चुके हैं, वर्ल्ड के अंदर चैंपियन बन चुकी है दो बार, और ईव ओलंपिक क्वालिफाई जो टीम करेगी सबसे पहले हमारी तरफ से तो ये डन है कि यही खेलेगी। क्यों? क्योंकि जो ओलंपिक इस वेट के अंदर 57 किलो के अंदर जो इंडिया की लड़कियां खेलेंगी, 3 लड़कियां 57 kg वेट के अंदर इस टाइम हरियाणा की तीनों की टीम और उन दोनों को ये हरा चुकी है। इस टाइम ये फर्स्ट रैंक है इसका, इस टाइम हमारे हिसाब से दोबारा फेडरेशन के अंदर अगर ट्रायल करवाई किसी ने कभी, इनके तो बोर्ड का ट्रायल कराओगे क्योंकि कई बार कहते हैं, उसके लिए आप लोगों ने दुआएं करनी है। और वहां पर भी इसके मुंह के चले गए ये पक्का ओलंपिक मेडल लेके छोरी आएगी। और बेटा जितनी छोरी बैठी है तड़ाके पे, बेटा तुम जो है इसकी कोई भी पोस्ट आना अपनी फेसबुक पर शेयर करा करोगे हमारी ऐसे ऐसे सिस्टर वहां जा रहे, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है। हम उम्मीद करके जा रहे हैं आज कि आज कोई जिंदगी का यहाँ पर जो है स्वागत हो रहा है और आगे आने वाले टाइम पे, और इसको देख के और भी बेटियां जो है खेलेंगी और आगे बढ़ेगी और इसी प्रकार से गांव का नाम रोशन करेगी जिस तरह हमेशा बेटिया हमारा गांव का नाम रोशन कर रही। और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ राजेंद्र कोच साथियों का कि जिन्होंने अपने मनोज बॉक्सर है उसको बनाने वाले भी यही थे जो ओलंपिक खेल के आया है, मेडल लेके आया। और विक्रम धूल इंटरनेशनल जो बॉक्सर है ये अभी DEP है, ये हमारे बीच में बैठे, ये भी राजेंद्र जी के शिष्य है। जो आज गुरमीत जी बॉक्सिंग कोच मेरे गाँव से है ये भी इन्हीं के शिष्य है, अभी जो कैथल के अंदर ऑन ड्यूटी है बॉक्सिंग कोच। तो सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ और पूरे गांव का मैं धन्यवाद करता हूँ। बहुत खुश हूँ मैं युवाओं से, बहुत खुश हूँ बेटा जो आप लोगों ने इतना बढ़िया प्रोग्राम किया, बच्चों का मानसिक भी देखिए, छोरी का हौसला कितना बढ़ेगा। क्योंकि गांव गांव होता है, बाहर से तो उसको खूब खूब बधाइयां मिल रही है, लेकिन गाँव के जब अपने चाचे ताऊ दादे मान सम्मान करते हैं तब पता चलता है कि मेरे को और भी ज्यादा मेहनत करनी है और भी ज्यादा नाम कमाना है। तो मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, बहुत खुश हूँ और सभी से मैं प्रार्थना करता हूँ दोबारा फिर यह बात बता के जाओगे मनीषा भी तुमने खुद मोटिवेशन करेंगे बेटा। अरे छोटे छोटे बच्चे जो बैठे हैं आज के बच्चे कल का भविष्य, बुरी संगत में ना पड़ी हो, अच्छी संगत में जाओगे तो इसी तरह नाम कमाओगे जिस तरह ये बिटिया नाम कमाने लग रही है। और सैल्यूट करता हूँ इसके मम्मी डैडी को भी जो इतनी अच्छी खुराक दे गए, लड़की तैयार करके पहलवान बनाई है और इतने अच्छे संस्कार करके इस लाइन पे लड़की चलाई है। इतना कह के मैं अपना जो है अपने शब्दों को विराम देता हूँ क्योंकि और भी बहुत बोलने वाले गणमान्य व्यक्ति हमारे बीच में बैठे हैं। एक बार माता का जयकार मेरे साथ जोर से फेर लगे। सबसे पहले तो मैं आप करोड़ गांववासियों को वीजा के बंका में गोल्ड मैच देने पर देता हूँ और आपको आप सत्ता के पात्र इसलिए भी हैं कि आप इस बच्ची का हौसला बढ़ाया, इतना आपने मान दिया जो जिसके आधार पर आगे जो अपना लक्ष्य है वो हमें गोल्ड का लक्ष्य निश्चित किया। आपके गांव में खेल का नाम बहुत खुद चल रहा है, आपका नाम खेल के नाम से बहुत मशहूर है गंगा का, कबड्डी जैसे प्रतियोगिता होती रहती है और आपके बच्चे अच्छे बने होते हैं। इसके साथ ही जैसे बलिराम जी हैं वो इतने बड़े अफसर, जिला के बड़े अफसर जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर वो यहीं से पैदा यहाँ के पैदा हुए हैं, यहीं से बने हुए हैं, इनके कब्जे में आपके आधार है आपके। दूसरा ये जो हम बच्ची को त्याग किया है हमारा अकेला नहीं हुआ, तो हम मेरे साथ दो कोच और हैं, इनकी मेहनत है, हम तीनों लोग मिलकर इतराज की मेहनत करते हैं, उनका इसके लिए बच्ची के पेरेंट्स का भी आता है पढ़ा सहयोग। और मैं आप सबको ये प्रार्थना करूँगा
कि आप अपने बच्चों को पोलियो ला लो, जैसे आपका नाम मुकुल का है, ये नाम आपका पूरा इंडिया भर और दूर तक है। और आपके गांव में टैलेंट है, आप बच्चों को लाओ, गांव में भेजो और उनके उनको निकालना काम आ रहा है। मैं आप लोगों से दोबारा इस बात की तय दूंगा, इसलिए हमारा इतना नाम अभिमान किया और बच्ची का हौसला बढ़ा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अरे कोच साहब। सबसे पहले मैं इस गांव के मेरे गांव के सम्मानित बुजुर्गों दादा चाचा ताऊ भाई बहन माता भाई सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि जब ये तीन बार बच्चे को यहाँ गांव में बुला के सम्मानित मान सम्मान दिया, मैं बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और लोग ये बच्चे कोविड हैं, ये बार के बधाई के पात्र हैं, उन बच्चे को त्रास है और हम कामना करते हैं कि इस मेरे गाँव का जिले का इस भारत का नाम और लेके आए उन पर ये धन्यवाद आपका। सभी गांव को हमें सार्वजनिक करना चाहते हैं, एक छोटी सी नर्सी गांव बताओ। बस ठीक हो गया, चलो बैठे जी। अब मैं आगे थोड़ा सिस्टम थोड़ा इधर देखो जी, हाँ जी भाई जी,
एक मिनट नीचे जाऊंगा दोस्त। फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर जब इसका गोल्ड आया था तो इसका बैनर में
छपवान लग रहा था और मैंने इसका सारा जो मैंने कितने भी डबरे बैठ लाया कैसे क्या सारा बायोडाटा तैयार कर दिया और इसका फोन आता है मेरे पास से वहां से के पापा जी ने कहा बल्ला उस मंत्र के अंदर एक मटोर काम जरूर लिखा दिया बल्ला एक बार जोरदार ताली बजाओ। यहाँ से पता चलता है कि बच्चों को कितना प्यार है अपने गांव से। ये बात हकीकत है, मैं ऐसे सट्टा नहीं मारना। तो तब मुझे लगे कि हाँ भाई व्यक्ति में कुछ ना कुछ मतलब ये बड़ी गहराई की सोचने की बातें होती है कि कितना लगाव रखती है अपने गांव से। और एक भजन भी आप लोगों के बीच में, खैर मेरे को बहुत सारे बैठे हैं बॉक्सिंग फेडरेशन जो अपनी कैथल की उसमें सेवा करने का मौका दे रखा, वो इस प्रेसिडेंट में बना रखा हूँ और मैं खुद भी इंटरेस्ट रखता हूँ इस चीज में, इसलिए कहीं भी टाइम निकाल के आप पानी पर शूटिंग चल रही है मेरी लेकिन वो चलती रहने दे, लेकिन मैं यहाँ पहुंचा कलाकार मैंने भेज दिया कि यहाँ आना मेरा जरूर। एक भजन के इन बेटियों को कोख में कत्ल करवा देते हैं, ये सोच के कोई आपस में बात ना करियो। एक तो गीत और एकरे गीते पे मेरे के नाचने के, एक और एकरे जुनून पैदा करने वाले शिक्षा देने वाले पारिवारिक मोह ममता मैं चीज किया हुआ उसका मेरा पटक है इस भजन में। ये देखो ये बेटियां किस प्रकार से अपनी इज्जत के झंडे गाड़ने का काम भी करती है। एक माँ जब वो पाप करवाने के लिए चल देती है ना, हम समझ गए मैं कौन सा बताऊं कि मेरा पटका घर में बेटी है और भाई वो जो है उस बेटी को कोख में मारने के लिए जब चोरी चुप पे चल देती है, फिर गर्भ के अंदर से उस कन्या की रूह कांपगी, मेरा पटका तेरे को दुनिया देखने से पहले इस दुनिया को उठा देंगे। फिर वह एक छोटी सी संदेश छोटा सा मैसेज अपनी माँ के कानों में पहुंचाने की कोशिश करती है कि माँ मेरा इस संसार मारना बड़ा जी कर था और मैं तेरी शान देखना बड़ा जी कर था लेकिन उस सपना को मेरा कोख में चकना चूर करना जा रही है। लेकिन एक बात सुन ले मेरी, अगर आज एक छोटी सी बात बताऊंगी तने मेरे को जन्म दे दिया, मेरी बात सुनकर दया आएगी, तने तो जन्म दे दिया माँ, और लेकिन अगर जो बात करेगी खुद भुगतेगी, मेरा के लेगी और गर्भ के अंदर इसी बात बोल दी उस कन्या ने सुनकर थाने भी रोकते खड़े हो जाएंगे एक बात के द्वारा। अरे माँ मन मरवावे ना, अरे कोख में कत्ल करावे ना, ए माँ मैं तेरी शान देखना चाहूं सो, यदि गर्भ ते बाहर निकड़ के हिंदू सतान देखना चाहूं सो, गर्भ से बाहर निकड़ के हिंदू सतान देखना। ये बोली रही माँ दुनिया के उस देश में जन्म लेने जा रही थी, ऋषि मुनियों की धरती गर्व है पूरी दुनिया को इस माटी पे, और भारत के भी ऐसे सुनने में जन्म लेने जा रही थी, न्यू क्या करेंगे देशों में देश हरियाणा जगह दूध दही का खाना बोलेगी छोरिया ने तो माँ बड़े चढ़े काट रखे हैं दुनिया में और मैंने जन्म ले दे मैं भी उसे काम करूंगी। और के बोली अरे माँ मन मरवावे ना, कोख में कत्ल करावे ना, तेरी शान देखना चाहूं सो, गर्भ ते बाहर निकड़ के हिंदुस्तान देखना चाहूं सो, तेरी गर्भ से बाहर निकड़ के हिंदुस्तान देखना चाहूं सो। पहली बात मैं क्यों बोली कि कितना काम आऊंगी तेरा जन्म दे दिया जाके बोली, दो चार साल में भाई ने खिलावर चौकी हो जागी, पकड़ के डोरी न पालना झुलावर चौकी हो जागी, एले आ चले भाई झोली दे भुलावर चौकी हो जागी, रिपाद के पोचिरी भाई काजी लावण चौकी हो जागी, एरी सामण की पनवासी आया नान देखनारी चाहूं सो, गर्भ ते बाहर निकड़ के हिंदू सतान देखना चाहूं सो, एरी माँ मने मरवावे ना, कोख में कत्ल करावे ना, माँ मने मरवावे ना, कुल की बेल कटावे ना। अरे फिर बोली रही माँ आज मने कोख में मरवावे, दो कारण बस तीसरा को नहीं, पहला कारण तो यू होगा कि खर्चा तो डरगी तू, कहीं छोरी का जन्म दे दिया इसकी पढ़ाई लिखाई में खर्चा और इसके ब्याह शादी में खर्चा इसके दान देज में खर्चा, माँ भाग्य विधाता से अपना भाग लिखवा के लिए आई हूँ और मैंने मिल जाएगा तो तो सूत्र संस्कार दे दिए अच्छी शिक्षा दे दिए बस आगे नहीं जाऊँ मेरा काम जाना था। अगली बात में फिर के बोली मेरी खर्चे हो से ना डरी हो, बिन खर्चे ब्याह हो जाएगा, पढ़ी लिखी बहु आगे भरे नो अगलिया के चाव हो जाएगा, मेरी विद्या के साधन कम मिले नो बोलन नैरा हो जाएगा, गुण के आगे सारे झुके आपे आदर भा हो जाएगा, आपे आदर मान हो जाएगा, गुण कर्म और
चाहूसो गर्भ ते बाहर निकल के हिंदुस्तान देखना चाहूसो गर्भ से बाहर निकल के हिंदुस्तान देखना चाहूसो अरे माँ मने मरवावे ना कोख में कत्ल करावे ना माँ मने मरवावे ना कोख में कत्ल करावे ना सुन मेरी लाटो बेटी इतने इतना प्यार दू अपने हिस्से की दुनिया में तेरे पैवार दू या मेरी बेटिया तीसरा नंबर आई है और जो बेटियों से प्यार करता है उनके लिए गाऊ ये गीत भाई साहब जो बेटिया बेटिया चीज क्या होती है बेटियों का लाड क्या होता है मेरे से ज्यादा शायद कोई समझेगा मैंने बता दिया कि चार बेटी है और ये बेटियां जब पैदा होती है ना ये बेटियां जब पैदा होती है तो किसी किसी बात चल रहा है गोदी में लेना माँ बाप तो मेरे सच है जो माँ बाप प्यार करते हैं कि मेरी फूल मर की बेटी देखा मेरे घर के आंगन का सिंगार है कुछ साल पक्ष है दूसरे के आंगन का सिंगार जाकर बन जाएगी अब जितने साल मेरे लिए मेरी बेटी मेरी लाडो रहे और मैं खूब प्यार दू मेरी लाडो मैं खूब प्यार दे और क्या सोचे सुन मेरी लाडो बेटी इतना इतना प्यार दो अपने हिस्से की दुनिया भी मैं तेरे पैवार दूँ अपने हिस्से की खुशियां भी मैं तेरे पैवार दूँ तू जमी जद सारी बोली तू जमी जद सारी बोली पराई से बेटी ससुराल में तने कह देंगे बग्यानी जाई से बेटी ए पी हर किक ससुराल की मैं तने किस घर की कहूँ लाडो मैं तने इतना प्यार दूँ अपने हिस्से की दुनिया में अपने हिस्से की खुशियां सब तेरे परिवार दूँ लाडो हे तने इतना प्यार दूँ अगली लाइन गाने का पहला एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों ने सोचा ना कि छोरा है इसने दूध भी पैदा की भी फैदा पटाया था भी लिखा था भी बस चलाओगा घर चलाओगा ब्याह कराओगा छोरे तो अपना अगला घर जाएगी या सोच दिमाग में काट दो इन छोरिया ने 25% सपोर्ट करके देखो रुपया में तो चवन्नी छोरे ने 100% सपोर्ट करोगे रिजल्ट मिल दे कैमरा लेकिन छोरिया ने 25% सपोर्ट करोगे तो 100% रिजल्ट आपकी जोड़ी में डालने का ये छोरी जो है काम करेगी क्योंकि पीछे कोच साहब बैठे इतनी लाइक बना दी आज मेरी तीनों बेटियां जो है इंडिया गोल्ड मेडलिस्ट है ये तुम एक आपकी नंबर लिया दोस्त बैठी तो आप लोग भी चाहे पढ़ाई का फील्ड है चाहे बिजनेस का चाहे स्पोर्ट्स का छोरिया का जरा जी करा और खूब सपोर्ट करा करो जमाना जा लिया पाँच चला और अगली बात में फिर क्या बोली ने बोली अम्मा लास्ट में अगर पहली बात तो खर्चा तो डर की होगी दूसरी बात इस जमाने से डर की तू कि छोरी का जन्म दे दिया जमाना मार आ गया परिवार में 19-21 पाए हो बीत की तो खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी बस यू सोच लिया होगा तने री मां तने अम्मा सोच भी कैसे ली और जिस खानदान के अंदर में जन्म लेने जा रही हो 75 में तो न्याय करता मेरा दाता मेरे बाप को दुनिया सलाम करती है और कितने अच्छे संस्कार मेरी नानी ने तेरे को दे के मेरे दादा के घर भेजा तो तने सोच कैसे लिया बाहर निकल के हिंदुस्तान देखना चाहूं सो अरे मां मने मरवावे ना कुल की बेल कटावे ना तेरी शान देखना रे चाहूं सो गर्भ से बाहर निकल के यो हिंदुस्तान देखना चाहूं सो री मां मने